संगरूर दे सरकारी गर्ल स्कूल विच पढ़ाउंदे अध्यापक वल्लों 17 सालां दी नाबालिग लड़की नाल जबर जनाह करन दा मामला सामने आया है। परिवारिक मैंबरां ने दस्सिया कि साडी नाबालिग धी नूं अध्यापक वल्लों जबरदस्ती अपनी कार विच किसी अणपछाती थां ते लिजा के उस नाल जबरदस्ती कीती गई। परिवारिक मैंबरां ने दस्सिया कि उन्हां ने अपनी धी दा मैडिकल भी करवाया है ते दोषी अध्यापक खिलाफ थाना सिटी संगरूर विखे FIR दर्ज करवाई है, पर हले तक उस दे खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट आज दी आवाज। की नाम है तुहाडा जी? हरबान सिंह लड्डा, ब्लाक प्रधान धूरी। अज तुसीं थाने अगे धरना लाया जी, की कारण है, की मंगा ने? एक कारण यह है जी, लड्डे पिंड की बच्ची 17 साल की बच्ची थी, वह संगूर इतने पढ़ रही थी। इस जगराज सिंह का नाँ का मास्टर से संगूर रहा हो, पर ड्यूटी लड्डे कर रहा हो। वो जो छो लड्डे पिंड तो बची इतने पढ़ने वास्ते बस से उतरी तो वेद होर भी सहेलियां थी, तो उस कुड़ी क्योंकि लड्डे कुड़ी पढ़ के आई थी, लड्डे लगे हुआ थी, मास्टर जानता थी, उन्होंने कुड़ी इशारा करके नौ लेके बुलाया। तो जो दूसरी सहेलियां उसके नाल जान लगियां तो वह कहता भी आप जिहड़ियां तेरे नाल आउंदियां ने कुड़ियां नूं रोक दे, तू कल्ली आ जा। वो कुड़ी पता नहीं की गल कही, मात्र उन्होंने बुला के गड्डी उसकी खड़ाई हुई थी बस अड्डे के उस बिठा के लै गया। उदों बाद पता नहीं कि जगह पर लेके गया उस कुड़ी का रूप मतलब रेप करके बुरी हालत की कुड़ी की बच्ची की। जदों वह बच्ची का पता लग्या क्योंकि परिवार ने फोन किया भी साड़ी बच्ची इतने पढ़ना ही है स्कूल हैगी, कहिंदे स्कूल चो फोन गया कहिंदे भी उरे आई नहीं बच्ची अज्ज, वह इस करके उसकी पड़ताल करो। जो परिवार ने भज नठ की तो फिर वह फोन लड्डे स्कूल के जिहड़ी प्रिंसीपल मैडम थी उत्थे फोन मंगया, कहिंदी वह तो छुट्टी ते है, कहिंदी फोन नहीं मैं दिंदी हैगी। जो परिवार ने धमकी दी भी असी तेरा नौ बच्चे तरह भी तेरी गलबात एक ही है वह ना, बाद फोन पर पता कर मास्टर ने गल कही, कहिंदा भी छोटी कुड़ी कुछ नहीं सुरक्षित है, मैं सड़ जाना। जदों वह सड़ के अड्डे सड़ गया तो परिवार जो कुड़ी लेके आए तो वह कुड़ी की बहुत बुरी हालत, वह मूँह तो बोलिया नहीं जाती उतों, इस करके परिवार ने घर ले जाके उन्होंने पुछया, कुड़ी ने पुछया परिवार ने, तो वह कहिंदी मेरे ना तो इस तरह घटना वापरी है, कुड़ी दे खून बह रहा थी। क्योंकि धरना लगाया है पहला पुलिस ने गलबात की? हाँ जी, पुलिस ने गलबात इसे करके 3 तरीक का परचा होया होया, इस तरह लेट हो बार बार सानू ड्रे करते रहे, असी गिरफ्तार करांगे। जदों उन्होंने ना कोई कार्रवाई की तो मजबूरी बस असी यह प्रेस नोट पा के जारी किया 8 तरीक नूं। पक्का मोर्चा? हाँ जी, ये पक्का मोर्चा। साडियां ट्रालियां रात नूं आ गईयां क्योंकि ठंड का मौसम है, रजाइयां जो सारा कपड़ा मतलब पक्का, असी मोर्चा लावांगे। साडा लंगर उधर तैयार हो रहा है, उत्थे चाह पानी उत्थे बनूगा। जिन्ना चिर यह उस दरिंदे नूं फड़ के जेल अंदर नहीं करदे उन्ना चिर असीं पक्का मोर्चा लावांगे, चाहे महीना लग जाए, 2 महीने, जिन्ना मर्जी टाइम। ठीक है, इधर देखो। हाँ जी, तुहाडा की नाम है जी? रणजीत कौर जी। किवें देख रहे हो, किहड़े गल्लों धरना लग्गा है जिहड़ा? असीं तां जी इसे गल्लों लाया भी सानूं इंसाफ मिलना चाहीदा गुड़िया बारे। की घटना होई सी? घटना तां जी आही भी वह गुड़िया नूं लै गए सीगे गड्डी हस्पताल चो बस अड्डे चो चक के। जगराज सिंह मास्टर सीगा जी, उसे बच्चे नूं पढ़ाउंदा सी उह, पहला उत्थे पिंड पढ़ाउंदा सी जी उसे बच्चे नूं। किवें देखदा पुलिस कोले शिकायत दर्ज करवाई, की कहा पुलिस ने? पुलिस तां जी सानूं आई कह दिंदी है भी 8 दिन रुक जाओ, 8 दिनां बाद तुहानूं इंसाफ दवा दांगे, सी सानूं मिल नहीं रिहा। उपरों पता सानूं की कहिंदे नेगे भी तुसी सानू दसो भी जे कितें बैठा गा सानू बुलाओ, असी चक्कांगे, भी जे असी उही करना है फिर थोड़ा की कम है। कुड़ियां सही गल जो कर लग गए मतलब गलत गल मास्टर की भी अभी मास्टर फड़िया जाए सू इंसाफ चाहिए। हम कि देखते हो तकरीबन 3 नवंबर का केस था, 1 महीने तो भी ज़्यादा समय हो गया, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, पुलिस को किमें देख रहे? असी पुलिस में यही कहना चाहते हैं भी कार्रवाई करो, जो थोड़े तो नहीं कुछ होंगे तो असं धरना ला के बैठा लगातार बैठे रहोंगे इन्होंने। हाँ जी, एक ना 1 महीना पहला एक FIR दर्ज हुई थी 237 नंबर अंडर सैक्शन 376 506 IPC 6 पॉस्को एक्ट ना, जो दोषी है जगराज सिंह
ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਹਾਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰੇਡਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡਾ ਜੀ, 17 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ 1 ਮਹੀਨਾ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤਫਤੀਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਤਕਰੀਬਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੱਲੀ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਲਵਾਈ ਹੈ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ? ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਐਸ ਪੀ ਐਚ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਅਰੈਸਟ ਸਟੇ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਅਰੈਸਟ ਸਟੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਅਰੈਸਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ।